आज तो उनका रिपोर्ट कार्ड का है ना, क्या वो तो नहीं पता दिला उनको कोई बोलो चले जाओ यस मम्मी पापा को पूछ रहे क्या हुआ है आपका रिपोर्ट कार्ड मुझे बताया नहीं रिपोर्ट कार्ड चला था बताया क्यों नहीं हमें खेलने में तो भूल गए थे भूल गए मम्मी को मम्मी को नहीं पता है नहीं भूल गए तभी लाते हैं रूम में से मम्मी के हमको ये नहीं बताया ही चलो चलो रिपोर्ट कार्ड बताओ आपका अरे वाह इंग्लिश में 12/50 और आपका क्या है फिजिक्स में तो 15/100 बढ़िया चल रहा है पढ़ाई इन लोगों का मैथ्स में आउट ऑफ 100 20 क्या हो रहा है घर में क्या पढ़ा है या क्या इसको इन लोगों को पढ़ाई क्यों नहीं देती कहाँ टाइम है कभी कभी आपके पापा बोलते हैं चाय लाओ कभी आपके बच्चे बोलते हैं मम्मी हमको रेडी करो कभी कपड़ा पहनाओ सारा चीज मेरी मत आपको क्या सुबह में उठते हो नहाते हो कपड़े पहनते हो चले जाते हो मेरा तो ऑफिस वर्क रहता है ना बहुत तो मेरा भी तो बहुत सारा काम रहता है एटलीस्ट तो घर में रहती है ना तो बस दो मिनट हम आधे घंटे सीरियल देखते हैं उसके अलावा कुछ नहीं करते उसके बाद सारा काम आप ही के पीछे घर में चारों तरफ दौड़ते रहते बंद करो यार टीवी देखना बंद करो बच्चों का जिंदगी है जब चाहे तब आपके पापा आपको आवाज देते हैं शिवांगी चाय लेके आओ शिवांगी चाय लेके आओ रोटी लेके आओ ये वगैरह वगैरह बिल्कुल उन लोगों को सम्मान नहीं पा रहे कैसा हो सकता है मेरे को काम करिए आप उनको छोड़ दीजिए दूसरा शादी करें चलो देखो तुम लोगों की वजह से मैं कितना सुनना पड़ रहा है मेरे को तो प्रिंसिपल सर भी फोन किया था आपके बच्चे ठीक तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं हमने तो लिखा था टीचर ही कॉपी गलत चेक कर दिया उन्होंने क्या देखो इन लोगों का कितना कितना इंटेलिजेंस है क्या करे पापा ही ऐसे बच्चे कैसे मैं खुद भाई खुद से बात करना चाहता हूँ तुमसे मैं जा रहा हूँ साथ में वकील से तलाक का पेपर भी लेते आना ठीक है हम भी फेल होते थे जमाने में हम तो दो ही तक पढ़े तुम लोग तो कतार चार और छह पढ़ गए बहुत पढ़ गए बढ़िया है पापा जी मैं आपके बेटे के साथ जिंदगी में नहीं बर्बाद करना मैं तो भविष्य नालायक है कोई बात नहीं बढ़िया है पढ़ाते क्यों नहीं पापा इन्हें तो घर में रहती है ना तो इन लोग को क्या रखना पड़ता है